आज केजरीवाल को गलत तरीके से अरेस्ट किया हुआ है, पानी रोक दिया गया है। सातों सीटें ईवीएम से जीती हैं, सातों सीटें आम आदमी पार्टी की थी। ये ढोल फटेगा, दुर्जन को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मरे जीव के चाम से लौह भस्म हो जाए, ये खत्म हो जाएगा, कोई भस्मासुर की तरह बचेगा नहीं, राख बन जाएगा। क्या दिल्ली में रहने वाले बीजेपी के लोगों ने उसको उसका फायदा नहीं उठाया? पानी, बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, दवाई, फ्री बस सेवा, ऐसी कई सुविधाएं हैं जो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने दी हैं। ये सारी दुर्भावना, द्वेष, ये दिल्ली की जनता के ऊपर जो बरस रहा है, ये सिर्फ जनरेटेड है, मेलोड्रामिक है, बिल्कुल कपोल कल्पित या कृत्रिम रचा हुआ ड्रामा है। मोदी जी घबराते हैं, बीजेपी घबराती है कि शेर बाहर नहीं आना चाहिए। एक रुपए की बरामदगी हुई है, ना अब तक कोई FIR। दिल्ली को क्या दिया? एक रुपया नहीं दिया, एक रुपया 10 साल में डेवलपमेंट के नाम पर। केजरीवाल ने अपने बजट में ऊपर सरप्लस दिखलाया है और वो पूरी दिल्ली को उसी में चला रहा है, अपने टैक्स के कलेक्शन से। दिल्ली में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है, उसी क्रम में आज यहाँ दिल्ली की मंत्री, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने पानी सत्याग्रह की शुरुआत की है। यहाँ उनके समर्थन में काफी लोग आए हुए हैं, तो हमारे साथ दादाजी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। दादाजी, ये जो जल पानी सत्याग्रह की शुरुआत करी है मंत्री जी ने, इससे कोई फायदा होगा दिल्ली वालों को? सत्याग्रह गांधी जी का शुरू किया हुआ एक मिशन है। जब जब जो है उस वक्त अंग्रेजों ने नमक के लिए लोगों को तरसा दिया था, तब गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, नमक आंदोलन किया था, सत्य का आग्रह। यहाँ सत्य क्या है? पहली चीज तो ये है, ये मैन मेड क्राइसिस है, ये जेनरेटेड क्राइसिस है, ये इस अवतार का किया हुआ ड्रामा है। बड़ा सीधा सा हिसाब है, हरियाणा से पानी रोकने की सामर्थ्य उसमें है तो उसने अपना खेल रच दिया, लेकिन उसने जो कुछ भी इतने लोगों की हाय ली है, ये हाय पड़ रही है उसको, ये उसको खा जाएगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। रहीम जी ने कहा है, दुर्जन को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मरे जीव के चाम से लौह भस्म हो जाए, ये खत्म हो जाएगा, हमें भस्मासुर की तरह बचेगा नहीं, राख बन जाएगा। आप बिना नाम लिए मोदी जी पे हमला कर रहे हैं, तो ये तो जहां बात जानी चाहिए वहां पहुंच ही जाती है, समझने वाले समझ गए हैं। लेकिन भाजपा वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार और जल बोर्ड दिल्ली की सरकार के अंतर्गत, जिस आदमी की बेइज्जती उसका टिकट काट के रमेश विधोड़ी की बीजेपी ने खुद ने कर दी, उस आदमी को दूसरे आदमी को टिकट देने के बाद उसे वहां जाना चाहिए था, जल बोर्ड, वहां तोड़फोड़ वो करता तो बात कुछ और होती। लेकिन इसके अब जो कुछ भी एंगल्स निकल रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि घड़े को हथियार बनाया, मिट्टी को हथियार बनाया, एक नेचर को, तुम नेचर के विरुद्ध चलने की कोशिश कर रहे हो। जल बोर्ड में क्राइसिस जो है वो बीजेपी का ही बनाया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, इनके ब्यूरोक्रेट्स सब इन्हीं के बन चुके हैं, बोलूंगा, और ये चौथी पास पागल बादशाह हिस्ट्री, इतिहास अपने आप को दोहरा। आप प्रधानमंत्री को गाली? बिल्कुल गाली दे रहा हूँ, ये मैं निकल जाऊँ कोई दिक्कत नहीं। नहीं अंकल, ये फियरलेस, आई एम सॉरी टू से, ये बात ठीक है आपकी, आप फियरलेस हैं, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को गाली देना ये कहीं से कतई सही नहीं है। लेकिन मैं मोदी को कह सकता हूँ ये बात, मुझे लोकतंत्र में अधिकार है। आप बिल्कुल कह सकते हैं, आप वैचारिक रूप से किसी का भी विरोध। आई हैव एवरी राइट टू एक्सप्रेस माई गट फीलिंग्स, आप ये जान लीजिए, और मैं इसके लिए किसी भी दूर तक मंजिल तक जाने के वो सफर तय करने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आज केजरीवाल को गलत तरीके से अरेस्ट किया हुआ है, पानी रोक दिया गया है, सातों सीटें ईवीएम से जीती हैं, सातों सीटें आम आदमी पार्टी की थी, ये ढोल फटेगा। लेकिन अंकल, और पूरे देश में इनकी सीटें घटी हैं, इस बार विपक्ष के किसी बड़े नेता ने ईवीएम पर आरोप नहीं लगाया रिजल्ट के बाद। ऑल मीडिया इज प्रो मोदी, वो उसी को ही गाता बजाता है, यही काम है उसका। ये नहीं अंकल, ये लोगों की भ्रांति है कि ऑल मीडिया इज प्रो मोदी, बिल्कुल है नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, ये भ्रांति कहना, मीडिया के लोग सच्चाई से ईमानदारी से अपना काम कर पढ़ता हूँ मैं, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर हर वक्त सर्फिंग करता रहता हूँ,
मुझे दुनिया के सारे चीजों के बारे में अपडेटेड नॉलेज है। मैं यहाँ बैठ खड़ा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है, मुझे साफ साफ दिखता है, मेरी सच्ची आंखें हैं, मैं ईमानदार आदमी हूँ। मुझे मालूम है मैं दूसरे की आंख में आंख डाल करके ये महसूस कर सकता हूँ कि अगला आदमी बेईमान है कि सच्चा है। मेरी भावना सच्ची है। मैं यहाँ क्यों हाजिर हुआ हूँ? अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने सर्कल के लिए नहीं। पूछिए इन सब लोगों से मैं आगे पीछे बातों बातों में, ये बात आज से नहीं, जब से यहाँ सरकार बनी, जब से पहला क्राइसिस हुआ था 2012-13 में, उस वक्त से मैं ये बात कहता हूँ, पानी कम इस्तेमाल करो। मैंने अपने बच्चों को भी बोला पानी के साथ खलेफी मत करो, ये नेचर का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है, पंचतत्व है, उसने जो रोशनी दी है उसको मोदी जी नहीं रोक सकते, वरना इसको अंधेरा बना दे, रात बना दे 24 घंटे की। अभी तो आप कह रहे हैं मोदी जी ने ही रोका है हरियाणा से पानी। बिल्कुल मोदी जी ने ही रोका है, बड़ा सीधा बात है। खट्टर को क्यों कैबिनेट दे दिया? अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा? खट्टर ने उनकी हर आज्ञा का पालन किया था, इसीलिए तो कैबिनेट में आ गए वहां से रिजाइन करके। अब वहां दूसरा आदमी बिठाया, उसको भी खट्टर की तरह ये वही प्राइज और रिवार्ड देंगे। क्यों? जो मानेगा, जो इनका रिमोट से चलने वाला आदमी होगा वही इनके लिए इनका अपना है और उसी से ये खेल कराते हैं। ये सारी दुर्भावना द्वेष ये दिल्ली की जनता के ऊपर जो बरस रहा है, ये सिर्फ जेनरेटेड है, मेलोड्रामिक है, बिल्कुल कपोल कल्पित या के कृत्रिम रचा हुआ ड्रामा है। अच्छा अंकल, ये जो पानी सत्याग्रह से दिल्ली की जनता को कितना लाभ होगा? दिल्ली की जनता को एक पहली चीज ये होगी कि कुछ तो लोगों को पानी के को बरतने की समझ तो आ ही जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं पानी बचाता हूँ इसीलिए कि शायद किसी और को मुझसे ज्यादा जरूरत है, मैं इसलिए पानी बचाता हूँ। मैं इस चीज को एक मूवमेंट को अंडर करंट्स में जा रहा हूँ, चल रहा हूँ आज से नहीं। मैं खुद एक लाइसेंस प्लम्बर भी हूँ, वाटर के बारे में, फिल्ट्रेशन के बारे में, पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकेबल वाटर के बारे में जानता हूँ, एंड आई एम एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ I am one of the top candidates who knows about the water, everything, right from the zero level to any. इसलिए मैं ये बात कह सकता हूँ। अभी जितना भी कुछ भी ये हो रहा है, सब का सब ड्रामा है, और इसका नेचर ने क्या जवाब देना ये आप देखोगे। This is my prophecy. ऊपर ग्लेशियर फटेगा, 28 तारीख को यहाँ बरसात होगी, ना पानी हरियाणा रोक पाएगा, ना हम संभाल पाएंगे, ये आप देख लेना। ठीक है अंकल, और एक बड़ा मुद्दा दिल्ली का चल रहा है, केजरीवाल की गिरफ्तारी। अभी कल ही उनको राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको जमानत दी थी, आज हाई कोर्ट ने रोक लगा दी उनकी जमानत। नहीं, क्या कहेंगे? जमानत किसने दी थी? राउज एवेन्यू कोर्ट ने। ठीक है, जो डायरेक्टली एसोसिएटेड थी, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए स्पेशल कोर्ट है, उसने जब जमानत दे दी, अब उसको दोबारा अरेस्ट करने का मतलब क्या है? एक कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा आदेश जो है उसको निरस्त कर रही है। नहीं नहीं, निरस्त नहीं किया है, हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक यहाँ हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती तब तक के लिए इनकी जमानत पर रोक लगाया जाए। जब एक राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब उनको जमानत दे दी, तो हाई कोर्ट ने उनको दोबारा अरेस्ट करने की हैसियत क्यों दिखाई? उन्होंने निरस्त कर दिया उसको, चाहे वो मामला दूसरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है इस शहर का, इस शहर को वो दिल से जो है इस यहाँ के लोगों के लिए मरता है, कटता है, करता है, सारी जनता उस पे मरती है। लेकिन ईडी भी कह रही है अंकल कि ऐसे हवा में हमने नहीं कोई केस किया है, इनके खिलाफ पूरा पुख्ता सबूत है हमारे पास। पुख्ता सबूत होते तो कल जमानत क्यों हो रही थी? कल जमानत क्यों हो रही थी? किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जमानत हो जाएगी, कल हो गई। कल जो हुई है जमानत, इसका किसी ने कुछ बोला था कि कल हो जाएगी जमानत? किसी ने उम्मीद की थी? नहीं की थी, और हो गई। और जब एक कोर्ट से जमानत हो गई, एक जगह मनगढ़ंत कहानी आ गई और जमानत देने की बाध्यता बन गई, दूसरी कोर्ट उसको क्यों निरस्त करके और उसकी अवमानना कर रही है? अवमानना कैसे होगा ये अंकल? ये तो हाई कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी कोर्ट है। बड़ी कोर्ट हाई कोर्ट है, लेकिन हाई कोर्ट को थोड़ा सा तो भेजा होना चाहिए इस चीज का कि उसने जमानत क्यों दी है इस आदमी। तो वही तो हाई कोर्ट ने कहा है सर, वही तो हाई कोर्ट ने कहा है कि हम सुनवाई करेंगे, पूरा केस देखेंगे, तब तक के लिए इनकी जमानत रोक दी जाए। आपने अभी तक, आप भी हर चीज से वाकिफ हैं, मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपने कहीं किसी जगह किसी खबर में, मेन न्यूज में कहीं ये देखा है कि कहीं कोई सबूत अभी तक मिला है किसी भी तरह का? कोई साक्ष्य है अभी तक?
जब साक्ष्य नहीं तो कोर्ट में खड़े क्यों हैं? क्यों खड़े? ये पागलपन है, ये पागलपन है और कुछ नहीं है। पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, लाइट के लिए हम दो दो घंटे परेशान है, किसी परेशान है। लेकिन ये तो बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं, बिजली पानी का मुद्दा दिल्ली सरकार का मुद्दा है। वो दिल्ली सरकार का मुद्दा नहीं, हमें अपने इलाके का मुद्दा है, हमें अपना इलाके का मुद्दा है। हम अडानी की कंपनी है, ठीक है, अडानी कौन है? अडानी तो एक बिजनेसमैन है। अडानी की जेब में कौन है? ये तो अडानी का पाला हुआ पटेल डाला हुआ जंजीर डाला हुआ कौन है? एक स्कीम है। क्यों? क्योंकि अगर केजरीवाल बाहर होते तो बीएसएस की औकात नहीं थी कि शटडाउन ले ले या बिजली गुल हो दिल्ली के अंदर। दिल्ली के लोगों, मैंने कहा एक ही शब्द बोला, दिल्ली के लोगों से बदला लिया जा रहा है। दिल्ली के डेवलपमेंट, ग्रेट सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, दुनिया में मशहूर है नई दिल्ली, दिल्ली इसके साथ कटौती, इसके डेवलपमेंट के नाम पे इतने 10 साल से मोदी ने क्या दिया? तो मतलब आप कह रहे हैं कि केजरीवाल के जेल में जाने से कितनी बड़ी जगह है, कितना पूरे नक्शे में हिंदुस्तान के में पांडिचेरी कितना रुपया दिया है डेवलपमेंट के लिए? वहाँ उड़ीसा कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, कितना टैक्स कलेक्शन करता है, उसको क्या दिया डेवलपमेंट के नाम पे? दिल्ली को क्या दिया? एक रुपया नहीं दिया, एक रुपया 10 साल में डेवलपमेंट के नाम पर। केजरीवाल ने अपने बजट में ऊपर सरप्लस दिखलाया है और वो पूरी दिल्ली को उसी में चला रहा है अपने टैक्स के कलेक्शन से। उसने एक रुपया मांगा नहीं है, इन्होंने दिया नहीं है, ये चाहते नहीं है। जब तक यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट नहीं आएंगे तब तक वो यहाँ नहीं देंगे डेवलपमेंट का पैसा। वो चाहेंगे कि सिटी शहर तबाह हो, तब तक तबाह हो जब तक यहाँ लोगों की भावना खत्म ना हो जाए, और ऐसा हो नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। ये अंकल नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के दौर से जनता को कोई लाभ नहीं है, तो जनता के लाभ के लिए क्या कोई पार्टी? तक तो रेवड़ियां बांटने कह रहे थे, कौन? अंधभक्त बीजेपी। कैसी रेवड़ियां? जिसको ये रेवड़ी कहते थे वो अंधभक्त और बीजेपी वालों ने, किसी ने रेवड़ी बंद की या छोड़ी या कहा कि हमें नहीं चाहिए रेवड़ी? रेवड़ी सब खा रहे हैं, सारे रेवड़ी खा रहे हैं, नमक हराम है, नमक हराम है, रेवड़ी भी खा रहे हैं, रेवड़ी कह करके बदनाम भी कर रहे हैं। मतलब आप बिजली पानी की बात? अरे किसी भी चीज की ले लो, कुछ भी ले लो, मोहल्ला क्लिनिक ले लो, दवाइयां ले लो, टेस्ट कह लो, ये कुछ भी, कहीं से कहीं तक चल लो। मैं रात को भी उस पर व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटी में चल रहा था ड्रामा, मैंने कह दिया ये बात साफ, मैं कह इनका क्या करें ऐसे लोगों का, जो नमक हराम है, ऐसे लोगों को नमक हराम कहा जाता है, खा भी रहे हैं और बक भी रहे हैं, भौंक भी रहे हैं, बदनामी भी कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, किसी दिल्ली वाले से पूछिए ये झंडे लग रहे हैं, इनमें से किसी को बुलाइए मेरे सामने खड़ा करिए, नंगा करता हूँ मैं अभी नंगा करता हूँ, उसको बिजली का बिल लाइए जरा। नहीं, और कम कराने के लिए जाते हैं, मैं बिजली घर भी जाके बैठता हूँ, थोड़ी देर तमाशा देखता हूँ, किसी को नहीं पता कि मेरी नजर कहाँ है, अपने लिए कभी नहीं जाता हूँ किसी काम के लिए। मैं आज तक रिकॉर्ड है, मेरे पिताजी मेरे दादाजी, मैं कभी, हम लोग कभी गवर्नमेंट से किसी तरह की स्कीम का कोई फायदा उठाने के लिए कभी लाइन में नहीं लगे, ना खड़े हुए ना गए। दूसरों के लिए लड़ जाएंगे, अभी लठ उठा लूंगा, सिर फाड़ दूंगा किसी का भी, अगर मुझे दिखेगा सच्चा केस, चल मेरे साथ, पेट्रोल फूंकूंगा अपना, गाड़ी में बैठा के लेके जाऊंगा। आप समाज सेवा ही करते हैं? समाज सेवा नहीं है, ये मेरी भावना है, मैं इसी तरह से जिया हूँ, मेरे परिवार ने मेरा लालन पालन पोषण जो है इसी तरीके से किया हुआ है। सच के लिए लड़ जाओ, खत्म बात, और मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ। ये तो केजरीवाल भी कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार। मामले में संसार में रहते हुए, संसारी रहते हुए मैं कह सकता हूँ कि मैं पक्का ईमानदार, डेड ऑनेस्ट और सच्चा हूँ, और मैं अच्छी बात है अंकल, अच्छी बात। क्या हो रहा है आप बताइए अंकल, ये जो जल सत्याग्रह चल रहा है इससे दिल्ली की जनता को क्या लाभ होगा? जल सत्याग्रह चल रहा है इससे दिल्ली जनता को क्या लाभ होगा? जी जनता को पानी चाहिए, पानी का लाभ होगा और क्या होगा? तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं पानी जो जल बोर्ड है वो तो दिल्ली सरकार के अंडर में है, तो फिर ये सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं? बीजेपी वाले तो ये भी कहते हैं राम को हम लाए हैं, जिस राम को हम पूज रहे हैं, जिसको हमने हमारे पूर्वज पूजते थे हम पूज रहे हैं, हमारी 7 पीढ़ियां जहाँ तक हमारी पीढ़ियां थी हम राम को पूज रहे हैं, वो कहते हैं हम राम को लाए हैं।
आप अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाइए कि हमने अपनी सरकार के अंदर राम मंदिर बनाया है, ना कि राम को लाए हैं। आप उपलब्धि गिनवाइए कि हम राम का मंदिर बनाया है, जो मंदिर बनाया है, राम को कोई नहीं ला सकता। राम एक एक बहुत बड़ी शक्ति है, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है। 10 साल से क्या राम आए हैं? उससे पहले राम नहीं थे? हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम राम के नाम से उठते हैं, राम के नाम से सोते हैं, राम के नाम से जीते हैं और राम के नाम से ही मरते हैं। जब हम मरते हैं तो हमारे को फट्टे पे सिर्फ एक ही नाम होता है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राइट? क्या बीजेपी वालों की सोच ही बदल गई 10 साल के अंदर? ये कहते हैं जी राम को हम लाए हैं और ये अपना कुछ अलग से मुद्दा बना के चल रहे हैं। पानी बंद कर दिया, पानी किस लिए बंद किया? क्या बीजेपी वाले दिल्ली में नहीं रहते? क्या दिल्ली सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो केजरीवाल की उपलब्धियां हैं, क्या दिल्ली में रहने वाले बीजेपी के लोगों ने उसको उसका फायदा नहीं उठाया? उठाया कि नहीं उठाया? पानी, बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, दवाई, फ्री बस सेवा, ऐसी कई सुविधाएं हैं जो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने दी है, जिसको सर्वदलीय के लोग जिसका फायदा उठा रहे हैं। और 10 साल से हिंदुस्तान की राजनीति को इतना गरमा दिया गया है कि राजनीति का चेहरा ही बदल गया, रूप ही बदल गया। लेकिन दिल्ली का रिजल्ट नहीं बदल रहा है अंकल, लोकसभा चुनाव में। दिल्ली का रिजल्ट नहीं बदल रहा है लोकसभा चुनाव में, फिर से भाजपा ने 7 की 7 सीटें जीत ली। देखिए लोकसभा चुनाव जो है ना, लोगों की सोच किस तरह की है हम नहीं समझ सकते, बट विधानसभा के अंदर केजरीवाल ही आएंगे, वो भी तीसरी चौथी बार ही आएंगे, उनको कोई नहीं हरा सकता। यहाँ जमीनी सुविधाएं चाहिए लोगों को, जो कि दिल्ली के 7 MP नहीं दे सकते। आपने कभी MP देखा होगा या जलसे में मिलेगा, स्टेज पे मिलेगा, बट किसी के दुख सुख में नहीं मिलेगा, घर परिवार में कभी नहीं आया किसी का। अच्छा अंकल, कल अभी केजरीवाल की जमानत राहुल रेवेन्यू कोर्ट से हुई थी, उस पे आज हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, तो इस पे आप क्या? ये राजनीतिक मुद्दे हैं, मोदी जी घबराते हैं, बीजेपी घबराती है कि शेर बाहर नहीं आना चाहिए। ना 1 रुपए की बरामदगी हुई है, ना अब तक कोई FIR है। ये सिर्फ एक बाहुबली जैसे होता है ना, बाहुबली। ईडी तो कह रहा है हमारे पास सारे पुख्ता सबूत हैं। तो राव देखिए, ये सवाल जज से करना चाहिए कि आपने इनको जो जमानत दी है वो किस बेस पे दी है, ठीक है ना? उन्होंने जो जमानत दी है, जो संविधान का निशान पीछे लगा के बैठे, शेर का निशान, उन्होंने अगर जमानत दी है तो किन आधार पे दी है? इसी वजह से तो ईडी जो है दिल्ली हाई कोर्ट चली गई। तो ईडी परेशान है ना, ईडी परेशान है, पीछे से बीजेपी परेशान है, बीजेपी प्रेशर करती है, जाओ इनको स्टे लो, नहीं तो ये हमारी पार्टी का बेड़ा गर्क कर देंगे। ईडी परेशान है, खुद बीजेपी परेशान है। पानी तो मूलभूत आवश्यकता है लोगों की, लेकिन पूरी दिल्ली बहुत ज्यादा त्रस्त है जल की कमी से। तो ये मतलब भाजपा का कहना है कि दिल्ली सरकार केजरीवाल के अंडर में है, जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंडर में है, तो ये इनको व्यवस्था करनी चाहिए, ये सत्याग्रह पे बैठ रहे हैं। सर, सेंटर गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि पानी कोई एक स्टेट के लिए नहीं है, पानी एक आम चीज़ है, पानी की सबको ज़रूरत है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे आम आदमी हो, कोई भी हो, हर स्टेट को पानी की रिक्वायरमेंट है। और पानी पर मैं तो कहता हूँ राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पानी, बिजली एक अलग चीज है, बिजली एक पैसे से आती है, पानी तो एक नॉर्मल बंदा आजकल देख रहे हो रोडों पे, हर आदमी पानी शरबत पिला रहा है, फ्री में पिला रहा है। और यहाँ एक्चुअली पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, पानी पे तो राजनीति 1% भी नहीं होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन राजनीति ही तो हो रही है, बीजेपी वाले इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग बीजेपी के खिलाफ। पानी से, पानी को लेकर राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अगर इंसानियत है तो। पानी एक अलग सब्जेक्ट मैटर है, राजनीति करो जो जिस चीज पे राजनीति होनी चाहिए, पानी पे राजनीति एक बिल्कुल गलत है। आजकल आम लोग जल पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं, वो तो सेवा कर रहे हैं, और तुम पानी के लिए लड़ाई लड़वा रहे हो, प्यासे मार रहे हो, भूखे मार रहे हो, भाई बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। आप मैम पानी सत्याग्रह में आई हुई हैं, क्या क्या लगता है आपको, ये सही कदम है आम आदमी? बिल्कुल सही कदम है,
बीजेपी सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही, दिल्ली की जनता को परेशान कर रही है। आतिशी जी जो जल मंत्री हैं, उन्होंने कोर्ट में वो चली गई, वो लगातार जो है हरियाणा के सीएम है उनसे बात की उन्होंने 2-3 बार, उसके बाद उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, लेकिन वो कोई भी उनको संज्ञान में नहीं ले रहे। उनको लगता है ये जिन्नी की दिल्ली की जनता जो है इनकी कुछ नहीं लगती, लेकिन उनको नहीं मालूम ये जनता जो है ये सारा हिसाब कर देगी।